राशि आज और इस समय सेलिब्रेट करती हुई हीरोज की टीम, क्योंकि विकेट्स निकाले उन्होंने ओवर की शुरुआत करने के लिए अपूर्व लाखिया। बहुत ही बढ़िया गेंद, लाखिया नाइन एंड लेंथ को मेंटेन करते हुए। और स्पिनर्स की जब हम बात करते हैं, बहुत जरूरी होता है दमन की आप अपनी लाइन को बिल्कुल ना छोड़ें। स्पिन हो ना हो, आपको विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी चाहिए। और हम देखते हैं अश्विन को, रविंद्र जडेजा को, जो वो कमाल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वही नजर आ रहा है शायद आज लाखिया के द्वारा। पर अब दो नए बल्लेबाज हैं क्रीज पर बंगाल टाइगर्स के लिए, तो चैलेंज कर पाना अपूर्व लाखिया की इस तरह की गेंदबाजी को भी थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। दो तीन गेंदे लेंगे, हो सकता है एक आध ओवर लें आग जमाने के लिए। बिल्कुल सही बोला आपने, जॉय का विकेट यहाँ पर बहुत बड़ा साबित हो सकता है, क्योंकि अच्छा खेल रहे थे। और यहाँ पे सनी देओल पूरा लुत्फ उठाते हुए इस मैच का, सुनील शेट्टी कमाल के लेजेंड्स, आइकन्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, लेकिन चूके, कोई रन नहीं मिलेगा। मुंबई डगआउट के अंदर रोहित रॉय, तो एक स्टार स्टडेड डगआउट, अच्छी वापसी करती हुई मुंबई हीरोज की टीम इस समय। बहुत ही अच्छी गेंद, एक रन मिलेगा, अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट। बहुत ही नाजुक स्थिति में ये मैच इस समय, जरूरी होगा बंगाल के लिए कि यहाँ पे जो स्टार्ट मिला है, मोमेंटम मिला है, उसको गैदर करे और लंबे रन बनाए। और मुंबई विकेट निकालना चाहेगी, एक और हसीन चेहरा, पूरी तरह खचाखच अहमदाबाद, इन हसीन चेहराओं से क्या मोटिवेशन मिलती है रमन। अभी तो आप डगआउट्स की बात करें, रितेंद्र स्टैंड्स पे नजर डालिए वहां पे अजय मैना गए हुए हैं और खेल दिया है, एक ही रन मिलेगा। चॉय अब क्रीज पर मौजूद नहीं है, जो एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। CCL सुपर फैन कॉल 5333599 विन 1 लाख कैश टुडे। और ये खेमा, ये तो बहुत खुश होगा, 112/4 आखिरी मैच जो हारे थे उसके बाद इंप्रूवमेंट दिखी है यहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन अभी जो रन रेट है उससे ऐसा लग रहा है कि केवल 160 के आसपास तक ही पहुंच पाएंगे। एक और रन आउट का मौका हो सकता था, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और इसके साथ ओवर समाप्त 113/4 14 ओवर के बाद। त्रितेंद्र सिंह सोडी पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, और सोडी आप तो यहाँ पे एक दिवसीय मुकाबला भी खेल चुके हैं भारत के लिए, इस सतह पे क्या अच्छा स्कोर रहेगा? जी हाँ, बहुत अच्छे से मुझे याद है रमन, यहाँ पे मैं मैच खेला था भारत के लिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑनर था। और यहाँ पे हम मैच जीते थे, आसानी से जीते थे जिम्बाब्वे के साथ, अराउंड 260 रन हमने बनाए थे 50 ओवर में। लेकिन वो दिन कुछ और थे, तब 260 विनिंग टोटल होता था, अब 325 भी विनिंग टोटल नहीं है। लेकिन इस मैच की बात करते हुए 170-180 रन तो आपको बनाने होंगे, जिस तरह बंगाल को अच्छा स्टार्ट मिला है। करंट रन रेट के हिसाब से तो 160 के आसपास जाती हुई दिख रही है। बॉबी डियोल की वापसी गेंदबाजी के अटैक में, अच्छी थ्रोइंग आर्म है, साकिब को बिल्कुल सही पोजीशन पर डाला हुआ। अगर आप मुंबई हीरोज की फील्ड प्लेसमेंट्स पे नजर डालें तो बाउंड्री राइडर्स जो है सोडी, वो सही बंदे खिला रखे हैं। राजा भरवानी अच्छे कैच करते हैं, अच्छी थ्रोइंग आर्म है, साकिब अच्छी थ्रोइंग आर्म उनकी पहले देख चुके हैं हम हॉर्सेस और कोचेस की बात करते हैं तो बिल्कुल आपने ठीक बोला, तैनात जो फील्डर हैं वो बिल्कुल सही जगह पर खड़े हैं। और यहाँ पर लगता है थोड़ी सी इंजरी इशू हो गया है बॉबी देओल को, पिछली बार भी हमने बैंगलोर में देखा था, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे हैं, जनून कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन यहाँ पर काफी पेन में लग रहे हैं। ओवर की शुरुआत ही करी है तो ये दिलचस्प रहेगा। एक और हसीन चेहरा, अच्छा कच भरा हुआ यहाँ पर अहमदाबाद में, क्या माहौल है क्रिकेट का, मजा आ रहा है रमन। और यहाँ पर थोड़ी सी डेविएशन, स्विंग होता लगा, और ऐसी गर्मी में जो स्विंग होता है तो वाकई बॉबी देओल के लिए कहना होगा मासूरा स्विंग है वो। लेकिन इस समय मास्टर करना चाह रहे हैं अपनी पेन को, दर्द को ओवरकम करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुश्किल में दिखते हुए। लहरों के साथ तो हर कोई तैरता है, जो लहरों को चीर कर निकलता है वही असली इंसान है। और बॉबी देओल जैसे चैंपियन आइकन इसको भले भांति जानते हैं, वो बाहर तो कभी नहीं आएंगे, ये तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। दिखते हुए सुशील थोड़े से बंगाल टाइगर्स के खेमे के अंदर, बॉबी देओल थोड़ी सी फर्स्ट एड मांगते हुए। ओहो, काफी पेन में लग रहे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी हो सकता है मुंबई के लिए, क्योंकि इस समय बॉबी देओल की बॉलिंग की जरूरत है मुंबई को। सुनील शेट्टी जरूर फिक्रमंद होंगे इस समय, क्योंकि आपस में जो कॉमराडरी नजर आ रही है टीम की वो बहुत काबिले तारीफ। CCL सुपर फैन कॉल 5333599
115 पर 4। रमन आपका एस्टिमेट टोटल क्या है? जितेंद्र मुझे तो लग रहा है जिस तरह से पारी लगभग थोड़ी सी रुक सी गई है स्कोरिंग रेट, मुझे तो लग रहा है 160 तक पहुंच जाए तो बोनस होगा यहां पर बंगाल टाइगर्स के लिए। अगर 10 रन प्रति ओवर के औसत से स्कोर करते हैं तो 172 के आसपास स्कोरबोर्ड पे डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है मोमेंटम नहीं है इस समय। बंगाल ने काफी जल्दी जल्दी विकेट्स खोए और इसकी बदौलत वो रन रेट जो एक समय 10 के ऊपर का था वो नीचे आया। इस तरह से पहली विकेट मिली थी राजा बरवानी ने, सफलता प्राप्त दिलाई थी जब इंद्रशीष को बोल्ड किया था उन्होंने। मोमेंटम पूरी तरह बंगाल के साथ था लेकिन बहुत जल्दी में उन्होंने विकेट्स खोई और अब थोड़ा सा बैकफुट नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह खेला था 6 रन के लिए लेकिन खड़ी हो गए मिड विकेट पे, एक अच्छा कैच कंप्लीट किया मुंबई ने। राजा बरवानी एक बार फिर इस बार कैच पकड़ते हुए, उससे पहले अपूर्व लाखिया ने विकेट निकाली थी और फिर ये रन आउट जो आया ये बहुत दिलचस्प था। जॉय का खेला हुआ शॉट, मैन इन फॉर्म, दूसरे रन के लिए वापसी, शाकिब का जबरदस्त थ्रो स्ट्राइकर्स एंड पे और रनर को शॉट पाया सेफ्टी ऑफ द क्रीज से। काफी इंप्रूव्ड फील्डिंग यूनिट लगी है इस समय। अगर हम बेंगलोर की बात करते हैं, मुंबई थोड़ा सा ढीला लग रही थी लेकिन अब लग रहा है बहुत प्रेपरेशन के साथ, बहुत जद्दोजहद करके, आपस में बात करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करके अहमदाबाद में उतरी है और खेल भी उनके पाले में पड़ता हुआ, क्योंकि पहले लग रहा था कि इतनी गर्मी में फील्डिंग करते हुए मनोबल टूट रहा था। ये बहुत अच्छा टॉस जीता है आज बंगाल टाइगर्स ने, इस गर्मी में फील्डिंग करना 20 ओवर आसान नहीं है और खासतौर पे सिने स्टार्स के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। और यहाँ पे बॉबी देओल बाहर जाते हुए ये एक बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन देखिए क्या जुनून, अभी भी बहुत चीयरिंग। और कहते हैं कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए और ये वो इंसान है जो हमेशा लड़ते रहेंगे कुछ भी हो जाए। अपने भाई से मिलते हुए क्या नजारा, और इनका इनकम्प्लीट ओवर किसी को डालना होगा। एक गेंद डाली उसके बाद अगली वाइड थी तो 5 गेंदे इस ओवर की अभी भी बाकी हैं। देखना यह है कि इनकी जगह गेंदबाजी कौन करता है। की तरफ मुंह मोड़ा है रितेश देशमुख ने बतौर कप्तान, लग रहा है कि ये वरुण बडोला के हाथ में गेंद दी है। जी हाँ ऐसा ही लग रहा है। और वरुण बडोला दिल्ली के शुरुआती रहते थे फिर मुंबई गए, अच्छी खासी जबरदस्त स्विंग गेंदबाजी कराने के काबिल हैं वरुण बडोला। इंपॉर्टेंट ओवर उनको डालना होगा, सिचुएशन बहुत ही नाजुक है इस समय और अपनी पहली गेंद करेंगे इस मैच की। लाइन एंड लेंथ पकड़ना बहुत ही जरूरी, सटीकता बहुत ही जरूरी, क्योंकि ये समय ऐसा है यहाँ पे आप लूज बॉल बिल्कुल नहीं कर सकते। सरदार पटेल विश्वविद्यालय में पढ़े थे वरुण बडोला और इनके सीनियर पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज विवेक राजदान। ओ विवेक राजदान, एक बड़ा नाम, बहुत जबरदस्त बोलर रहे हैं अपने समय के। अच्छी गेंद, अच्छा स्टार्ट, एक ही रन मिलेगा और यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सेलरेट करना होगा क्योंकि हम बात कर रहे थे 160-170 की। रमन अगर आप सिंगल्स के साथ खेलेंगे तो मुश्किल हो सकता है, आपको लूज बॉल्स को तो क्लीनर्स पे डालना होगा। इससे ऐसा लगता हुआ दिख नहीं रहा है, मोमेंटम नहीं है बंगाल टाइगर्स के पास। यूसुफ अब बड़े शॉट लगाना शुरू करें क्योंकि वो बने हुए काफी देर से क्रीज पे, इनको हाथ खोलने होंगे अगर वो 160 का आंकड़ा पार करना है तो। अच्छी गेंद बडोला के द्वारा, थोड़ा सा दिशाहीन लगा लेकिन कोई नुकसान नहीं, बॉल थोड़ा अंदर गया और यहाँ पे जरूरत बंगाल के लिए कि वो रन्स जरूर देखे, इंटेंट आपको रन्स की दिखनी चाहिए। छोड़ी देखो पहले 6 ओवर के अंदर रन्स कैसे आ रहे थे, 14 रन, 13 रन, 10 रन, 12 रन प्रति ओवर, जैसे ही पहले 6-7 ओवर समाप्त हुए रन रेट गिर गया। एक 12 रन का ओवर जरूर आया लेकिन उसके बावजूद उसको छोड़ दीजिए 3-3 रन के, 2-2 रन के ओवर आए हैं। विड्थ मिली इस बार और गैप में खेला हुआ शॉट, अच्छी फील्डिंग अपूर्व लाखिया द्वारा। बिल्कुल रमन आपने ठीक कहा, अंकुश तो जरूर लगा है, जिस तरह का स्टार्ट मिला था उस तरह एक्सेलरेट नहीं कर पाई है बंगाल और यहां पे जरूरी होगा बहुत कि 1-2 छक्के अब जरूर दिखाएं, इंटेंट दिखाएं और चांस आपको लेना होगा, विकेट्स आपके हाथ में हैं लेकिन ज्यादा बॉल्स नहीं। बिल्कुल एक छक्का, 14 चौके लगे अभी तक इस पारी के अंदर, क्रमागत गलेबाजी करनी होगी। याद रखिए ऑपरेशन रिस्टोर 100 एक बड़ा दिलचस्प एक पहल है जो करना चाहती है, जिन हाथों को एसिड अटैक्स का सामना करना पड़ा है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती हुई, स्किन डोनेशन को प्रमोट करती हुई। और याद रखिए हर रन जो स्कोर होगा उसके चलते 1000 रुपए की डोनेशन दी जाएगी इस ऑपरेशन रिस्टोर की तरफ।
ये सचिन जोशी की ब्रिक ब्रदर फाउंडेशन की एक बहुत जबरदस्त पहल। जय हो सचिन जोशी की और जय हो इस समय बंगाल की। बंगाल अच्छी क्रिकेट दिखा रहा है लेकिन कोशिश होगी 170 रन यहाँ पे बनाने चाहिए और तारीफ करनी होगी रितेश देशमुख की, जिस तरह वो अपनी टीम को इस मैच में वापस लेके आए हैं, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग चेंजेस की हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ, क्योंकि एक समय लग रहा था शायद 180-190 रन आसानी से बना लेगी बंगाल। क्या शायद 200 का आंकड़ा दूर नहीं लग रहा था। आखिरी गेंद इस ओवर की, वरुण बडोला डालते हुए 6 रन आए कुल इस ओवर से, 121 पर 4 15 ओवर के बाद बंगाल टाइगर्स। यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग होगा बंगाल कितने रन बनाती है। बॉलिंग बहुत कमाल की है मुंबई ने वापसी की इस मैच में और एक खचाखच भरा हुआ पार्ले क्राउड पूरा आनंद लेता हुआ इस मैच का। लाखिया बॉलिंग करते हुए आसानी से एक रन लिया, 122 चार विकेट और अब नीचे जाएंगे पॉपी के पास। Well, आज अगर आप लोग मुझे देख लें कि मैं यहाँ पे समरसॉल्ट मार रही हूँ या तो मैं किसी और लैंग्वेज में बोलने लगी हूँ तो आप समझ जाइए कि मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे। एंड द पर्सन हु इज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी इज द मैन ऑफ माय ड्रीम्स, ही इज द लव ऑफ माय लाइफ, द सुपर हीरो सनी डियोल, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। यू नो वी हैव नॉट सीन यू इन CCL बिफोर, हाउ डज इट फील टू बी हियर? इट्स नाइस, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग द क्राउड, आई एम लविंग द एंबियंस ओवर हियर, इट्स रियली ब्यूटीफुल। And how does it feel to see Bobby play? Oh, he's my brother. I love him. And whenever he's playing, I wish I can also go and join him and play along with him. Are you a cricket buff? Not that much, but I love sports. Tell me something, like Bobby's associated with cricket. Your father just had a wrestling team. What do you love to play? I would love to do football. Football? I love football. So can we see you playing football sometime soon? I really don't know, but I would love to. Okay, now one thing that we've been waiting for a very long time, Ghail's releasing on 5th of Feb. What are the emotions right now? Well, actually, I'm really very, very nervous and very, very excited. And I think it's just like a cricket match when people are playing over there. I can understand the anxiety. So that's what I'm going through right now. But at the same time, I'm feeling great because when I watch my film, what I've done, I feel I've done what I wanted to do. So what prompted you to actually direct it, write it, and also act in it? Well, I was not getting the right script. I wasn't getting the right person who would direct it the way I was thinking about it. So then I said, might as well I do it, you know. So that's how it all started off and started writing and then eventually I got into direction. You know, you've always been a trendsetter. Whatever action you've been doing, everyone's been doing the same action. What are you doing special in Ghail once again that we should wait for? I think best is just around the corner, 5th of Feb, go watch it. We have done, I've tried to do my action, basically in this film is part of the screenplay, so it flows pretty well. And then I have got Dan Bradley, who has done a lot of good Hollywood films, which everybody is a fan of, like Bourne Ultimate, My Identity. And that's what I was looking for, that kind of action. So, and we have virtually achieved that. So you've also worked with a lot of young actors, I think 4 young actors. How was it actually training them? Well, I auditioned them because I was looking for young, because I always remember when I was that age, and that was the age when we are so definite about what we want to do. And we really do not know what is out there in the world waiting for us. And so there's so much of earnesty and honesty over there. So I selected these 4 kids, I auditioned them, and I promise you they've done a great job. Okay, we've always, you know, seen you promoting now, so people have asked you to say your dialogues, to dance. I actually want to check personally with you. Can you sing? Sing? No. Your song's out, Khuda. Can you do like a little line for me, please? It's very difficult for me to lyrics also remember them right now. Or any song of your choice. Right now, what is the one which we have done as a Lapak Jhapak? Yeah, that's the one which the kids are doing basically. It's Lapak Jhapak, Lapak Jhapak, Lapak Jhapak, Lapak Jhapak. Hoi! Hoi! Well, now,
You have to actually tell everyone that 5th of Feb, they have to come and watch your film. It's an order. Wow. I think they love me very much, and I'm sure I don't have to order y'all, but if I have to, I will. So kindly go and watch my film on the 5th of Feb. I promise y'all won't be disheartened, because if y'all have seen me do my earlier films and y'all feel I'm capable of it, I won't let y'all down. Okay, one last question. Boost is our sponsor. Boost is the secret of my energy, and everyone knows about your energy. I think you're one of the most energetic people around. What is the secret behind your energy? Wow. Now, what is the secret behind my energy? I think it is basically I am always full with adrenal. I love to get up early in the morning. And so I think before sunrise, I wake up. That gives me the greatest boost, because I feel there's a whole day for me and I'm going to do so many things. Well, thank you very much, and all the very best for your coming film. Thank you. Thank you very much. Thank you. And that was Sunny Deol. Back to you guys. Shukriya, Bobby. Ji haan, sabko besabri se intezaar hai inki picture ka. हायल रिटर्न्स जो आती हुई, और उसमें बहुत दिलचस्प है, विनीत मल्होत्रा मेरे साथ हैं, जाने माने जर्नलिस्ट एंकर. विनीत, इनका जो नाम रहता है पिक्चर में अजय मेहरा रहता है. घायल में जो नाम था अजय मेहरा, और जो पिक्चर में नाम है घायल रिटर्न्स में वो भी अजय मेहरा है. तो मुझे कई बार ऐसा लगता है यार मैं भी पिक्चर में एक्टिंग करूँ. अजय, मुझे लगता है कि आपको अपनी टैगलाइन रख लेनी चाहिए कि ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे उठता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है. फिलहाल यहाँ पे 4 रन मिलते हुए यार रन आने जरूरी है बंगाल टाइगर्स के लिए. जो फाउंडेशन रखी है, जो नींव रखी है, उसके बाद ऐसा लगा बीच में थोड़ा बिखर से गए, थोड़ी विकेटें उन्हें खोई, पर अब कम से कम 170 का आंकड़ा छूना बहुत जरूरी है. सनी डेओल जो आए हुए हैं मुकाबला देखने के लिए, अब इतना वैसे प्रोत्साहन टीम का, मुंबई हीरोज का काफी बढ़ जाएगा इनके आने से ही. अजय, 2.5 किलो के बारे में तो हमने बात कर ली, अब 2.5 किलो के से कम बेक करने वाले 1.5 किलो के बैट का उठना बहुत जरूरी है, और बंगाल इस वक्त थोड़ी मुसीबत में नजर आ रहा है मुझे. एक अच्छी शुरुआत मिली थी उन्हें, एक अच्छा प्रोत्साहन दिया था उनको उनके सलामी बल्लेबाजों ने, पर वो मोमेंटम, वो एक जो उन्होंने गति बनाई थी, वो कहीं ना कहीं लूज होती हुई दिखाई दे रही है. क्या प्रार्थनाएं चल रही है, सब कुछ चल रहा है. सैंडी प्रयास भी कर रहे हैं बड़े शॉट के लिए, और सैंडी में क्षमता है, मैंने इनको देखा है पीछे भी, या कुछ अच्छी ने पारियां खेली है, पर ऐसा लग रहा है थोड़े से यहाँ पे घायल होते हुए. जबीर आलूवालिया एक अच्छे स्ट्राइकर है, पिछले मैच में बैंगलोर में जबरदस्त ने पारी खेली थी. अगर आप CCL सुपर फैन है, जल्द से जल्द आप फोन उठाइए, बिल्कुल देरी मत करिए, और 5333-599 पे कॉल करिए, और मौका है 1,00,000 रुपए नकद जीतने का. दिल तो मेरा भी कर रहा है विनीत, जल्द से जल्द फोन उठाओ. अजय, बाप बड़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया. और आपको बता दें कि जब यह मुकाबला शुरू हुआ था तो बंगाल ने जिस तरीके की शुरुआत की थी, ये तक चर्चा की थी हमने अजय मेहरा कि 200 का आंकड़ा ये टीम छुएगी. पर अभी जैसे हमारे सहयोगी रमन भनोट और रतिंदर सिंह सोडी बात कर रहे थे, 160 तक भी अगर ये पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी. पर ये जो जोड़ी है, ये बहुत अहम है बंगाल टाइगर्स के लिए, सैंडी और यूसुफ, और ये अच्छा ओवर जाता हुआ 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में 5 गेंदों में. तो अब एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, तमाम जो दर्शक आए हुए हैं, पार्ले जो क्राउड आया हुआ है, आनंद लेता हुआ इस मुकाबले का, और इतनी गर्मी भी यहाँ पे आना और इन सितारों को देखना, वो लगता है निश्चित तौर पे अब इनको मजा आ रहा है और पैसा इनका वसूल हो रहा है. 17 ओवर की समाप्ति, 140 पे 4. इसकी पिछले मैच में विनीत वो भी पिंक कलर की थी, तो इस बार इस मैच के लिए जो ड्रेस है उसमें बदलाव आया है. पर सैंडी जो स्टांस है, मुझे ऐसा लगता है हमेशा बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं, वाइट का इशारा एम्पायर का, थोड़ी दिशा से भटकते हुए. वरुण बडोला इतने खुश नहीं इस निर्णय से. अजय, वरुण बडोला पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन चंद ओवर्स में बंगाल की जितनी विकेट्स गिर सके उतनी गिरने दें, और ये नहीं भूलना होगा अजय कि कैचेस विल विन यू मैचेस, पर पार्टनरशिप विल क्रिएट लीडरशिप. जी हाँ, बिल्कुल. इस बार टाइमिंग इतना बढ़िया नहीं, फिर भी पहला रन तेजी से लेने का प्रयास, और वापस आते हुए दूसरे रन के लिए, ये अच्छी रनिंग है. दबाव डालना, दबाव क्रिएट करना बहुत अहम रहता है. पर मुझे जो बड़ी चीज नजर आती है विनीत, वो ये है कि ये सारे सितारे हैं, पर्दे के सितारे हैं, पर कैसे अपने आप को एक दूसरे प्रोफेशन में, यानी कि क्रिकेट में, इन्होंने ढाल लिया है. इतनी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जैसे कहते हैं परिश्रम ही सौभाग्य का जननी रहता है. जितना मेहनत करेंगे, पर दूसरी फील्ड में जाना, दूसरे प्रोफेशन में जाना और ये स्तर दिखाना, अपने आप में मुझे लगता है दाद देनी होगी.
अजय मेहरा, आपसे हम आपकी एक्टिंग का डेब्यू कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फिलहाल मुझे लगता है यहाँ पे मौका था, मुझे लगता है विनीत अभी कठिन है वो कहना जो कर रहे हैं वही मुझे लगता है कि बेहतर है। पर अजय मेरा, डगआउट में अरमान कोहली बैठे हुए थे, मुझे उनकी एक मूवी जानी दुश्मन अच्छी तरह याद है। उस मूवी में उन्होंने तरह तरह के किरदार निभाए और आज वो एक किरदार निभा रहे हैं एक क्रिकेटर का। और जैसे कि अभी आपने एक बहुत ही अच्छी सटीक बात कही कि ये कलाकार हैं, इनके लिए इस मैदान पर उतर कर क्रिकेट खेलना बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मौका भी है। जी हाँ बिल्कुल, और मतलब जिस प्रकार ये स्तर इन्होंने हासिल किया है, इस बार देखिए बड़े शॉट ले जाते हुए खिलाड़ी डीप पे तैनात, यहाँ पे अच्छी फील्डिंग नहीं, यहाँ पे रन मिलेंगे, चार रन मिलते हुए थोड़ा सा लगा धोखा खा गए। धोखा इसलिए खाया कि इनको शायद लगा कि टप्पा पे पड़ के गेंद उनके हाथ में आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं, चकमा खा गए और चार रन यहाँ पे मिलते हुए और महत्वपूर्ण रन आते हुए बंगाल टाइगर्स के लिए। अच्छा, इफ यू हेजिटेट यू विल मेडिटेट इन रिग्रेट, और वही देखने को मिला। थम से गए थे फील्डर जैसे, वहां पे समझ नहीं आई कि गेंद किस तरफ जा रही है, किस तरफ भागूं, किस तरफ कूदूं। और अगर ऐसी ही फील्डिंग के एग्जांपल्स देखने को मिले तो बंगाल एक ऐसा स्कोर खड़ा कर लेगा अजय मेहरा जिससे मुंबई के लिए उभरना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। या और वरुण बडोला को भी अगर आप देखें थोड़ा सा यहां पे अटैक करते हुए, आक्रमण करते हुए उनके विरुद्ध, अच्छा बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए यहां पे सैंडी बड़े शॉट लगा रहे हैं। टॉस जीता जब बंगाल टाइगर्स के कप्तान है जुशु ने, और हंसते हुए मुझे टॉस के वक्त कहा कि हम 1000 रन बनाना चाहते हैं, अब उससे एक चौथाई भी बना लें तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज रहेगी। अच्छा, मुझे यकीन है प्रणव धनावड़े इस बात को जरूर सुन रहे होंगे, 1000 रन बनाने वाले एक मात्र भारतीय और एक मात्र क्रिकेटर सिर्फ वही है। हालांकि लेवल स्कूल का था पर गेम कॉलेज वाली थी। जी बिल्कुल, और देखिए कोई भी फॉर्मेट हो, यहाँ पे अब सेल्फी का जमाना है, सुहेल खान के साथ सेल्फी और पीटी जिंता आई हुई है मुकाबला देखने के लिए। पिछले मैच में भी देखा उनको बेंगलुरु में जब मुंबई हीरोज खेल रही थी, और अपने आप से देखिए क्या वातावरण है, क्या एक्साइटमेंट है, और यही है सीसीएल का जादू। सीसीएल का जादू, और प्रीति जिंटा और सुहेल खान एक नोबल कॉज को बढ़ाते हुए, वो नोबल कॉज है दुनिया का मनोरंजन क्रिकेट और बॉलीवुड के द्वारा। 152 स्कोर है 18 ओवर की समाप्ति। अब देखिए किसका आगमन हुआ है मैदान में, सलमान खान, एक बेहतरीन एक्टर, एक लेजेंड, और अब सबसे गले मिलते हुए यहाँ पे बॉबी डोयल से गले मिलते हुए अपने सारे जो उनके खेमे में है मुंबई हीरोज के, और क्या जबरदस्त माहौल, और जैसे आए पूरे एक कप ऐसा लगा एक कप शोर सा उठा है। बिल्कुल माहौल में बदलाव, शोर सा उठा है अब सनी डोयल के साथ बैठते हुए, और क्या वातावरण है। सलमान खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दबंग, 100 करोड़ क्लब प्लस के मालिक, और एक ऐसे स्टार जो चैरिटी, नोबिलिटी और स्पोर्ट्स और फिटनेस में बहुत यकीन करते हैं, और ये उनकी फिटनेस ही गवाह है इस बात की कि जिस तरीके से 3 दशक से भी ज्यादा उन्होंने अपनी फिटनेस को कायम रखा है, जिस तरीके से उन्होंने यंगस्टर्स को प्रोत्साहन दिया है, एनकरेज किया है फिट रहने के लिए, और आज इस सेंसिटिव क्रिकेट मुकाबले में इस मुकाम पर आके फैंस का जो जोश बढ़ाया है वो काबिले तारीफ है। सलमान खान जी बहुत बड़े सितारे, और जैसे ही जायंट स्क्रीन पे आते हैं एकदम वो शोर नजर आता है, एकदम ऐसा लगता है क्राउड में वो ऊर्जा आ गई है, लोग एकदम जोशीले हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़े सितारे हैं, बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, और मुझे लगता है पूरा जो समर्थन है इस मुंबई टीम का देने के लिए आए हैं, ऐसा प्रोत्साहन देखना होगा कितना फायदेमंद साबित होता है। फिलहाल यहाँ पे बल्लेबाज अच्छा कार्य करते हैं और 4 रन और मिलते हुए बंगाल टाइगर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। अजय वो शॉट एक छक्का भी हो सकता था, बेहतरीन गेंदबाजी, बट बैट्समैन ने जिस तरीके से एग्जीक्यूट की अपनी शॉट वो काबिले तारीफ था। फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े दिग्गज सनी देओल और सलमान खान एक साथ बैठे हुए द पावर कॉर्नर में,
पर यहाँ पे जो गैप भेदा उसकी दाद देनी होगी। बिल्कुल अब दो फील्डर्स थे और दोनों ही दर्शक रह गए। इस बार फिर से ऑन साइड पे यही टारगेट कर रहे हैं, यही बड़े शॉट खेल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जितने रन आए उतना बेहतर। इस बार टाइमिंग इतना अच्छा नहीं और मिसफील्ड के कारण एक रन और मिलता हुआ। जैद गेंदबाज इतने खुश नहीं होंगे इससे। अजय टेक्स्ट बुक उठा के देखे बॉलर तो ये वो घड़ी आ गई है, ये वो मुकाम आ गया है जब आपको अपनी यॉर्कर्स और अपनी शॉर्ट लेंथ गेंदबाजी से ऑपोजिशन को तंग करना होगा। मुझे लग रहा है कि सलमान खान आने के बाद बॉलर्स भी थोड़े स्टारस्ट्रक तो हो ही गए होंगे। अजय मेरा क्या फोकस रखना होगा, एकाग्रता रखनी होगी और यही मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज रहती है। कोई भी आप खेल खेल रहे हो, जितना फोकस रहेंगे या बेशक कोई भी बाहर आया हो, आपको ध्यान अंदर केंद्रित करना है। और जी हाँ, पर सलमान खान आते हैं लगता है पूरा वातावरण बदल जाता है। देखिए सनी डोयल के साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ अरमान कोहली, उनकी आप पिक्चर की बात कर रहे थे जो आपने देखी थी अरमान कोहली की विनीत, पर ये बड़े सितारे हैं, बड़े पर्दे के बड़े सितारे। अजय 160 का आंकड़ा बंगाल ने आखिरकार छू ही लिया। जब इंद्रशीष ने अपना विकेट गवाया था तो लग रहा था ये टोटल अचीव करना मुश्किल होगा, पर ये अच्छा शॉट और बाउंड्री और इंप्रोवाइज, ये देखिए कैसे इंप्रोवाइज किया, पोजीशन में आए और ये है सैंडी की क्षमता। और मुझे लगता है इससे गेंदबाज भी सोच विचार कर रहे होंगे कि अब क्या करें, कैसे इंप्रोवाइज किया, मैन्युफैक्चर किया। और ऐसा लग रहा है ग्लेन मैक्सवेल से काफी कुछ सीख लिया इन्होंने। और सलमान खान बड़ी संजीदगी से इस गेम का लुत्फ उठाते हुए, एक बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रही है मुंबई टीम। जो बीच में उन्होंने मोमेंटम तोड़ा था वो बंगाल ने कहीं ना कहीं दोबारा रिगेन कर ही लिया। जय मेरा ऑपरेशन रिस्टोर 100 एक बहुत ही बेहतरीन पहल है और सचिन जोशी की जो बिग ब्रदर फाउंडेशन है उसको बैक करती हुई। और हर रन के लिए 1000 रुपए डोनेट करते हैं इस इनिशिएटिव के लिए, ऑपरेशन 100 रिस्टोर के लिए। तो सचिन जोशी को निश्चित तौर से सल्यूट करना होगा। इस ओवर के बाद अभी भी एक ओवर शेष। अजय वो आखिरी ओवर मोमेंट ऑफ ट्रुथ हो सकता है और ये बेहतरीन शॉट बाउंड्री की तरफ जाते हुए और थोड़ी तेज और भागे होते तो शायद रोकने की गुंजाइश थी। 19 ओवर की समाप्ति 169 पे 4। सलमान खान बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार इस क्राउड, इस माहौल और इस जश्न का लुत्फ उठाते हुए और जो एक्साइटमेंट पैदा की है इन्होंने स्टेडियम में कदम रखने के बाद, अजय मेहरा वो यही जतलाती है कि ये एक बड़े सुपरस्टार हैं और एक सुपरस्टार जैसी इमेज भी कैरी करते हैं। बिल्कुल फिट, बिल्कुल एथलेटिक, और अगर आज भी इनके हाथ में बॉल थमा दी जाए तो कुछ ना कुछ जलवा तो करके दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। और ये देखिए बड़े सितारे आए हुए हैं यहाँ पे, पीडी जिंता, सनी डोयल, बड़े बड़े सितारे आए हुए हैं मुकाबला देखने के लिए और समर्थन देने के लिए मुंबई हीरोज की टीम को। अगर आप CCL सुपर फैन हैं जल्द से जल्द कॉल करिए 5333-599 की और 1,00,000 रुपए की जो राशि है पुरस्कार है आप जीत सकते हैं। आखिरी ओवर इस इनिंग्स की सैंडी पूरा प्रयास करते हुए और एक बेहतरीन पारी खेली है सैंडी ने और यहाँ पे 4 रन और मिलेंगे। बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला, गैप ढूंढा, 4 रन मिलते हुए और पिछला ओवर भी अच्छा रहा था बंगाल टाइगर्स के लिए और इस ओवर में भी एक अच्छी शुरुआत होती हुई अच्छा आगाज किया है पर थोड़ी सी समस्या में नजर आते हुए। सैंडी ने जिस लिहाज से अपनी शॉट्स पिक की है अजय मेरा वो एक गौर करने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध उन्होंने किसी भी कमजोर गेंद का सामना करते हुए अपने शॉट्स को एग्जीक्यूट किया है, मुश्किल गेंदों को चुना है और ऐसे गैप्स चुने हैं जो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी कई बार चूक जाता है ढूंढने में।
क्या साकिब हैं गेंदबाज, और अगर आप देखिए ऑफ स्पिन कर रहे हैं पर विद द स्पिन खेला, यानी कि स्पिन के विरुद्ध खेला। एक का खिलाड़ी था लॉन्ग बॉल पे, मात्र दर्शक ही रह गए, और जैसे दौड़े थे थोड़ा सा मुझे लगता है उनकी मांसपेशी में खिंचाव आया है और थोड़ी समस्या में नजर आ रहे हैं, थोड़े से उलझे हुए नजर आ रहे हैं सैंडी। और ये अच्छा संकेत नहीं है विनीत, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी जो गेंदबाजी भी करते हैं, तो अगर ज्यादा फिट नहीं है फिर मुसीबतें बढ़ेंगी बंगाल टाइगर्स की टीम के लिए, और अभी ऐसा लग रहा है उठना भी इनके लिए कठिन हो रहा है। अच्छा, गर्मी अपने चरम पर है और इस माहौल में अपने आप को हाइड्रेट रखना ताकि आपकी हैमस्ट्रिंग स्टिफ ना हो जाए बहुत जरूरी है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं अगर वो पूरे नहीं खड़े उतरते तो सैंडी बॉलिंग में जरूर खड़े उतरेंगे। प्रीति सैनन जो कि ब्रांड एम्बेसडर है मुंबई हीरोज की टीम की, पीटी जिंता भी आई हुई है सपोर्ट करने के लिए मुंबई हीरोज को, सलमान खान के क्या कहने, सुपरस्टार, सुपर सुपरस्टार कहना होगा। जब भी कोई इनकी मूवी लगती है तो बहुत समय तक बने रहती है पिक्चर हॉलों में, और जैसे आपने कहा 100 करोड़ प्लस तो समझ लिए मिल ही गया, 100 करोड़ रुपए तो मिल ही गए, ये जादू है सलमान खान का। प्रीति सैनन इनकी हाल ही में एक मूवी आई थी शाहरुख खान के साथ दिलवाले, और प्रीति जिंटा, सनी देओल, सलमान खान सभी इस माहौल का लुत्फ उठाते हुए, और फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि सब एकत्र एक साथ होके अपना जलवा बिखेर रहे हैं। यार विनीत, मुंबई हीरोज के लिए प्रेरणा की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इतने बड़े सितारे आए हुए हैं बैक करने के लिए, और ये बहुत दिलचस्प है जैसे रन आए अगर आप देखें लगभग थोड़े ऐसे ओवर थे 10 से लेके 13 तक जा थोड़ी सी खामोशी थी, पर कुल मिला के बड़े ओवर आए बंगाल टाइगर्स के लिए। शुरू में जॉय अच्छी लय में नजर आए, इंद्रशीष ने उनका अच्छा साथ दिया, अब सैंडी वो कार्य करते हुए इस बार बड़े शॉट ले गए, पर अब गति में अच्छा मिशन करते हुए सलीम, ज्यादा फ्लाइटेड गेंद। अजय, बंगाल के पास विकेट्स हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि इस ओवर में रिस्क जरूर लें, जो भी गेंद आ रही है उनकी तरफ उसको बाउंड्री पार कराने की पूरी कोशिश करी जाए। सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार 3 दशक से भी ज्यादा इस इंडस्ट्री में अपना जलवा बिखेर रहे हैं, इनकी मूवीज ने, इनकी एक्टिंग ने और इनकी पर्सनालिटी और फिटनेस ने काफी समय से भारतीयों को एंटरटेन करा है। बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम सब इनके, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी एक्टिंग को और अपनी फिल्मों को हमारे सामने रखा और हमारे मनोरंजन के लिए हमेशा तैयार रहे। या बिल्कुल, और जैसे ही एक मैदान में आए एकदम वो शोर सुनाई दिया, अरे अब दर्शक इनकी तरफ ही निगाहें बनाए हुए थे, पर फिलहाल अब बीच में निगाहें, और अब केवल एक ही गेंद रह चुकी है इस पारी में। रैंडी 37 पे, यूसुफ 29 पे, दोनों ने अच्छा खारे किया, अंत तक बने हुए हैं, और अब इस गेंद का ज्यादा लाभ उठा नहीं पाए, क्या यहां पे मौका होगा रनआउट का, मुझे लगता है कि रेफरल का प्रयोग करते हुए ऑन फील्ड एम्पायर थोड़ा आगे निकलाए थे वहां पे, तो आखिरी गेंद पे भी विनीत काफी कुछ घटता हुआ। अजय, बंगाल की तारीफ करनी होगी, जिस सिचुएशन से वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं बेहतरीन रहा है, और ये देखिए जब थ्रो आई उसको कलेक्ट किया, और मुझे लगता है जी हां यहां पे आखिरी गेंद पे विकेट मिलेगी, आखिरी गेंद पे विकेट मिलेगी, क्योंकि बल्ला दूर रह गया, हालांकि प्रयास किया था तो एक रन भी नहीं मिला जो चाहते थे वो। तो बंगाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 176 रन का आंकड़ा खड़ा किया, चुनौती 177 की है मुंबई के सामने। क्या बिल्कुल, और आखिरी गेंद पे विकेट गिरती हुई तो 176 रन 5 विकेट नुकसान पे 20 ओवर की समाप्ति। सितारे रहे इस पारी के सैंडी, अब जॉय जिस प्रकार की पारी ने खेली, इंद्रशीष ने भी शुरू में अच्छी शुरुआत की, सैंडी अभी भी अगर आप देखें थोड़ा लंगड़ाते हुए, इतने फिट नजर नहीं आ रहे, मुश्किल में नजर आ रहे हैं, मांसपेशी में खिंचाव आया है। बंगाल की भी अच्छी खबर नहीं है अजय, उन्होंने दूसरी इनिंग्स में आके बॉलिंग भी करनी थी, पर कुल मिला के अगर आप देखें यूसुफ ने अच्छा कार्य किया और 170 रन बना रहे हैं मुंबई हीरोज की टीम को, मुकाबला जीतने के लिए अहम मुकाबला है उनके लिए, क्योंकि अगर आज जीते हैं तो उनका सेमीफाइनल में प्रवेश बहुत गुना बढ़ जाएगा, वो बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएगी मुंबई हीरोज की टीम। तो अब बॉलीवुड के अन्ना, बॉलीवुड के दबंग
बॉलीवुड का पावर हाउस अजय अहमदाबाद के इस सरदार पटेल स्टेडियम में मौजूद है और हमारे हाथ में एक बेहतरीन गेम है। स्कोर कार्ड आपके सामने है। बंगाल टाइगर्स ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। टॉप स्कोर रहे जॉय, 65 रन की पारी, 42 गेंदों में 19 रन बनाए इंद्रशीष ने, पर दोनों ओपनर्स ने एक अच्छा स्टार्ट दिया। यूसुफ नाबाद रहे 29 पे, सैंडी रन आउट हुए आखिरी गेंद पे सलीम द्वारा 37 के योग पे, एक्स्ट्राज अगर आप देखिए 15, तो एक्स्ट्राज का भी बड़ा योगदान, और कुल मिला के बंगाल टाइगर्स ने 176 रन 5 विकेट के नुकसान पे तो एक स्कोर खड़ा किया। बैट्समैन ने अच्छा किया है, पर अब देखना होगा गेंदबाजी कैसे करते हैं। पर मुंबई हीरोज की गेंदबाजी एक एक सफलता मिली, बेरवानी को, अपूर्व लाखिया को और शबीर अहलूवालिया को, और कुछ गेंदबाज थोड़े महंगे साबित हुए, जैसे कप्तान रितेश देशमुख का 2 ओवर 21 रन, सलीम की इकॉनमी भी 10 से ऊपर, पर अपूर्व लाखिया ने 4 ओवर में 17 रन और 1 विकेट, तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। तो टारगेट है मुंबई हीरोज के लिए 177 रन का, मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में। फिलहाल लेते हैं ब्रेक और बहुत जल्दी वापस आएंगे। कम देखने को मिलता है जब इतने दिग्गज, इतने बड़े लेजेंड्स एक ही मैदान में एक ही समय हो, तो जबरदस्त सब कुछ, और सीसीएल का शुक्रिया जो ऐसा नजारा पूरे भारतवर्ष को दे रही है। क्या ख्याल, एक बार फिर की टीम और साथ ही साथ सलमान खान वहां मौजूद।